इन्वाइट कर रहे हैं, शुरू हो गया हम। हेलो, हाँ एसएमएस कर, नमस्कार प्रणाम, का हाल बात सब लोगों की, और तो पहली बात तो मैं समस्त राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच के जितने भी कलाकार सब लोगन के हम प्रणाम करब, सब लोगन के हम निहोरा करब कि बहुत बढ़िया लगा था कि आप लोगों से आज हम जुड़े, और कलाकार अगर हमसे पूछबो तो हम कहब कि माँ भगवती माँ सरस्वती की कृपा होती है तो आदमी कलाकार बनता है किसी भी विधा का। आप अभी जितने कलाकार हैं, कोई कोई गायक होगा, कोई म्यूजिशियन होगा, कोई तबला वादक होगा, कोई बढ़िया सितार बजाता होगा, कोई बढ़िया गिटार बजाता होगा, कोई बढ़िया हारमोनियम बजाता होगा, कोई बढ़िया गायक होगा, कोई बिरहा गायक होगा, कोई एक्टर होगा, कोई रंगमंच का कलाकार होगा, कोई रामलीला का कलाकार होगा, कोई लिखता होगा, कोई कविता लिखता होगा, कोई कहानीकार होगा, कोई पेंटर होगा, कलाकार के अनगिनत रूप होते हैं। अब ये विधा इतनी सुंदर है, चूँकि अब मैं इस विधा का छात्र हो गया हूँ और मुझे हो गए हैं 30 साल। 30 साल में 650 फिल्में हमने की, आप लोगों ने मुझे अनगिनत रूप में देखा, आप लोगों ने मुझे अनगिनत रूप में देखा। हम चाहब आप लोग कुछ बोलें, आप लोग कुछ लिखें, हर हर महादेव। हाँ नीतू सिंह जी कैसी हैं आप, सूरज बाबू, पिंटू यादव जी, विवेक मिश्रा, प्रिंस रॉय, मनोज रॉय गोरखपुर से, का हाल बा, जय गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, पूज्य योगी महाराज की जय। ये हमने ये पहना है, ये आप लोग मास्क, ये फेस मास्क हमेशा ये लगाए रखें, ये जो हमने पहना है, गमछा बांध लीजिए, स्कार्फ बांध लीजिए या मास्क लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कोरोना से बचने के लिए। इस वक्त कोरोना की एक महामारी चल रही है, गोरखपुर में भी अभी कुछ 200 से ज़्यादा केसेस, 300 केसेस हो रहे हैं, तो हम लोगों को वहाँ पे भी चिंता करना, क्योंकि अचानक जैसे प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अचानक सब लोग बहक गए और मास्क लगाए बगैर चल रहे हैं, शादी भी अटेंड कर रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं और भीड़ जमा कर रहे हैं, चौराहे पे खड़े हो जा रहे हैं, चाय की दुकान, पान की दुकान पे। तो आप लोग कृपया इसकी सीरियसनेस को समझें। हर हर महादेव, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शंभु शंभु। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि कुमुद दुबे जी का हालबा, संदीप पांडे जी, समर सिंह जी नमस्ते, चंदन सिंह राजपूत का हालबा हो, हमारी दाढ़ी मूछ आप लोगों को ठीक लग रही है, हम रखेंगे निकाल लें। हैं धर्मवीर दुबे जी का हो, नूर मियाँ क्या हाल है, अल्लाह ब्लेस यू टू। अंबर जाफरी जी का हालबा, कितना बहुत बढ़िया। अमित शुक्ला जी, हर हर महादेव, उनके ट्विटर पर कहाँ ब्लॉक कैला। सत्यप्रकाश दुबे जी, मॉर्निंग। सिद्ध कामत जी, सादर प्रणाम भैया जी। हाँ राजन सिन्हा जी, सो तो जैसे पूज्य महाराज योगी महाराज जी, आप लोग देख रहे हैं कोरोना काल में हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, और महाराज जी ने जैसे सोचा है, हमारे मुख्यमंत्री जो कि इस वक्त देश के एक अद्भुत
अद्भुतम अद्भुतास मुख्यमंत्री के रूप में आ गए हैं। यहाँ पे इतना उनका बढ़िया कार्य है कि जितना विपक्षी बा उन लोगन के जिंदगी हो गई बा झंड, विपक्षी लोगन के जिंदगी हो गई बा झंड। तो महाराज जी का अब जो अगला प्लान बा वो है फिल्म सिटी, और वो शायद हमके लगा था कि लखनऊ के पास उन्नाव के पास या यहाँ आसपास कहीं देख रहे हैं। गोरखपुर में हम उनको चाह रहे हैं कि महाराज जी को हमने चिट्ठी भी लिखी है कि भोजपुरी हमारे जो कलाकार लोग हैं, भोजपुरी जो हमारे दर्शक हैं, भोजपुरी विधा के रंगमंच के कलाकार हैं और अनगिनत है पूर्वांचल, उन लोगों को रोज़गार के लिए, क्योंकि अभी रोज़गार एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। बहुत से श्रमिक भाई भी आए हैं, सब लोग हैं, बहुत सारे कलाकार भी हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पीछे भी स्टेज के काम करते हैं, जिनके पास अब रोज़गार नहीं है, क्योंकि अभी रोज़गार बहुत मुश्किल है। सब लोग अभी जैसे शूटिंग बंद है, फिल्म बंद हैं, सब कुछ बंद है, लेकिन ये शुरू होगा धीरे धीरे और डेफिनेटली हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, शैलेंद्र उपाध्याय जी, उमेश गिरी जी, जय हो बाबा गोरखनाथ, आपकी बेस्ट मूवी कौन सी हमारी है? आप लोग हमारी बेस्ट मूवी अब 650, अच्छा सऊदी रियाद से भी जुड़े हैं आप लोग, दुबई से भी जुड़े हैं, शानदार लुक है, अच्छा ठीक बा, फिर रखा, फिर हम सोच रहे हैं 2-3 गोरखपुर में शूटिंग कर लें, जरा लॉकडाउन ख़त्म हो तो हम सोच रहे हैं सनकी दरोगा पार्ट 2 और पंडित जी बताएं ना ब्याह का हुई पार्ट 3 गोरखपुर में बनाएं, ताकि सारे लोकल कलाकारों को मैं इसमें काम दूँ, लोगों को रोज़गार मिले, जो कुछ हम सीखें अपने जीवन में एक्टिंग, जो जिससे पूरा देश पसंद करता है हमारी एक्टिंग को, विश्व पसंद करता है, वो मैं आप लोगों को, सुशांत सिंह राजपूत के लिए डेफिनेटली हमको बहुत दुख है, और हमारे वो छोटे भाई थे हमारे, बहुत देखो मैं निशब्द हो गया था, अचानक एक 34 साल का लड़का चला जाए तो कलाकार बड़ा छुई मुई होता है। हम तो निशब्द हो गए, हम कुछ बोल ही नहीं पाए, उनके परिवार को देखते रहे, न्यूज़ पढ़ते रहे, बोल नहीं पाए। बस मैं यही कहूँगा कि लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं, मैंने भी बहुत लड़ाई लड़ी लाइफ में, हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये सब उस समय बोलने का नहीं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सुशांत सिंह के साथ जो हुआ दूसरे को सुशांत सिंह ना बने। अब ऐसा कुछ यूपी बिहार में, खासकर यूपी में ऐसा कुछ कर दें ताकि बिहार के, यूपी के, झारखंड के बच्चों को कहीं जाना ना पड़े स्ट्रगल करने के लिए, अपनी माटी में रहें। रवि किशन गए, लड़ के यहाँ तक पहुँच गए, महादेव की कृपा थी, जनता हमको बना दी सुपरस्टार। देखिए जनता ही बनाती है, जनता जिसको पसंद कर लेती है उसको उठा लेती है, फिर वो नहीं तो राज कपूर साहब के 3 बेटे थे, छोटे बेटे कुछ बन ही नहीं पाए, रणधीर कपूर कुछ नहीं बन पाए, चिंपू कपूर नहीं बन पाए, राजेंद्र कुमार एक जुबली स्टार थे, उनके बेटे कुमार गौरव एक ही फिल्म दिए। जो भी है जनता बनाती है, किसी की ताकत नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में कि वो किसी को एक फिल्म दे देंगे, लेकिन स्टार बनाने की ताकत सिर्फ सर्वे सर्वा, जैसे हमको सांसद जनता बनाई, नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जनता बनाती है, स्टार सुपरस्टार भी जनता बनाती है, उठाती भी जनता है, पटकती भी जनता है, तो जनता ही बनाती है। लेकिन सुशांत सिंह का जाना, वो अभी तक 17-18 दिन हो गए, 19 दिन होने आए, लेकिन दिल से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत प्यारे इंसान थे, हमारे अच्छे छोटे भाई थे, हम बोल नहीं पाए कभी, आज पहली बार हम के लिए बोल रहे हैं। हम कभी, हम सारी जगह पर हमने अवॉइड किया कि जब मुंबई पुलिस अपना खोजबीन कर रही है तो उसमें हम कुछ अपनी राय बात करके, एक हम भी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्जैक्टली मुंबई पुलिस कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ उनका डायरेक्शन जाता है, कहाँ फिर उसकी डेफिनेटली CBI जाँच की मांग हम लोग, अभी पार्लियामेंट शुरू होगा, हम ज़रूर उस सब पर जाएंगे, लेकिन ये समय नहीं है, जब आप लोगों से हम बात करने आए तो हम ये सारी बातें करें। तो पहले तो भैया हो, ये मास्क के अभी जीवन में डाल ला, ये जो हम पहन ले है ना स्कार्फ के, एक एक गला में मुहा पे बन ले रहा, इसको डाल लो, क्योंकि कोरोना रहेगा, अभी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 6 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तान में केसेस हो गए। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बार कहा, मुख्यमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं, आप लोग सब लोग
ध्यान दीजिए, सरकार नवंबर तक सारे श्रमिक भाई गरीब गुरबा लोगन के राशन का व्यवस्था कह दिले। 1 किलो चना भी मिली, राशनों मिली, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रही बात कलाकारों की, तो हम अगर सदन में संसद में गए हैं तो आप लोग देख रहे हैं, हम कलाकारों की बात भी उठाए हैं, उनकी आवाज़ भी उठाते हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि मैं कलाकार पहले हूँ, सांसद बाद में। कलाकार था तभी हमको इतना सारा इतना लाख वोट मिला, क्योंकि लोग प्रेम करते हैं हमको दिल से, गोरखपुर में, पूरा पूर्वांचल में। और अब वो हमारा फ़र्ज़ है कि गोरखपुर की आवाज़ बने, वहाँ के विद्यार्थियों के लिए, गरीब गुरबा के लिए, मज़दूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, कलाकारों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, हम क्या करें। अब ये जिम्मेदारी कॉन्स्टेंट हमारे दिमाग में चलती कि कैसे हम, कैसे ये मेरा जो 5 साल में, अब 4 साल बचा है, कैसे हम अच्छा अच्छा काम कर दें। जैसे पूज्य महाराज जी ने गोरखपुर के लिए किया, गोरखपुर आज एक एग्जाम्पल बन गया है, लखनऊ के बाद, वाराणसी के बाद गोरखपुर पे सबकी नज़र है, इतना सुंदर बन गया। हम चाह रहे हैं भी, अगर मेरे दिल से पूछो कि मैं तो पहले चाह रहा हूँ कि वहाँ बहुत सारी शूटिंग हो, क्योंकि जब एक शूटिंग होती है तो एक यूनिट आती है, यूनिट आती है तो लोकल कलाकारों को बहुत काम मिलता है। सब लोग अपने घर थोड़ा थोड़ा पैसा ले जाते हैं, गाड़ी घोड़ा, होटल, टैक्सी, पेट्रोल, बनिया का दुकान, राशन का दुकान, सब में कुछ ना कुछ बिजनेस आने लगता है। वो शूटिंग करके यूनिट जाती है तो बहुत सारा पैसा उस क्षेत्र में जाता है जहाँ पर शूटिंग होती है। तो शूटिंग गोरखपुर में हो, जैसे अब 40-50 फिल्मों की शूटिंग अक्सर लखनऊ में होती है या वाराणसी में होती है, हम चाहते हैं, चूँकि अब जहाज़ डायरेक्ट गोरखपुर में, इतना सारा जहाज़ महाराज जी कर दें मुख्यमंत्री साहब, तो हम चाह रहे हैं कि अब उसका फ़ायदा हो, इतनी ट्रेनें आती हैं, इतनी सुविधाएँ हैं, 6 लेन 4 लेन हो गया, एक्सप्रेस वे हो गया है, सब कुछ इतना आसान हो गया है। रामगढ़ ताल है, अगर आप लोग गोरखपुर आएंगे तो आप लोगों को लगेगा आप लोग स्वर्ग में आ गए, इतना सुंदर है इस वक्त गोरखपुर, कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। बस वहाँ पे अभी प्रेक्षाघर भी बहुत सुंदर महाराज जी बनाए हैं, देखने जैसा, ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन कंट्री में आए। तो आप लोग ये सब, हाँ का जय हो, अच्छा सुन लें थोड़ा आप लोगों की, अब मैसेज भेजिए, हम जवाब देंगे। आप लोग लिखिए क्या लिखना है। धन्यवाद, आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। भारत माता के लाल, गोरखपुर की शान, जय हो। ललन पांडे जी का भैया ऐसे साथ के लिए हम, हाँ अपन सही कर सकते जी, भैया जमीन से जुड़े नेता और अभिनेता, अच्छा जय हो भैया जी। गोरखपुर में मिला हमसे कोरोना में, अभी कोरोना में सुन थोड़ा संभर के, क्योंकि अभी भीड़ भड़ा, गोरखपुर अभी 15 दिन थे, दिल्ली हैं, वापस से गोरखपुर आएंगे, हम सबसे मिलेंगे, हमको मिलना ही है। उदय भगत बाबू, जय गोरक्षनाथ महाराज की जय, उदय बाबू, अच्छा उदय बाबू पुराने। भूटाली सिंह जी जय हो, जय हो। विकास तिवारी जी का हाल बा, जय हो, प्रणाम आप सब लोगों ने, भैया जी आपके माँ वाह, नमस्कार नमस्कार, बहुत आशीर्वाद मिश्रा जी, आशीर्वाद मिश्रा का नाम है, वाह। मनोज अवकांक्षी, युवराज यादव, जिला जौनपुर, बहुत। गीता सिंह जी, अच्छा दीदी काल बा, प्रणाम दीदी। नितेश कुमार, बहुत सुंदर सोच है सर। गुलाब सिंह जी, संजय मदेशिया जी, अच्छे तो गोरखपुर के हमरे बड़ा नहीं, तो बहुत मेहनती इंसान है। जिंदगी झंड बा, जिंदगी झंड बा, विपक्षी लोगन के तबो कौनों बात के घमंड। आप लोग देख रहे हो कल कश्मीर में क्या हुआ, आतंकवादी पाकिस्तानी से जो पाकिस्तान लोग भेजते हैं, वो कॉमन मैन को भी मार दिया, वो दादाजी को, उसका बच्चा 4-3 साल का बेटा उनके छाती पे बैठा रहा, गोली खा के वो नीचे गिरे रहे, और हमारे CRPF के जवान संजय कुमार जी कैसे उस बच्चे को रेस्क्यू किए, आप लोग वो भी देख रहे हो। देख रहा हूँ मोदी जी कैसे लड़ रहे हैं, एक तो चाइना घेरा मार रहा है, पाकिस्तान अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। कृपया, मैंने सारे चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दिए, आप लोग सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट को, उनकी कमर तोड़ देनी, चाइना की कमर हम लोगों को तोड़नी है, उनका माल खरीदना बंद करो, नहीं तो दिवाली हमारी होती है, गणपति चाइना से आता है, त्यौहार हमारा होता है, लाइट उन लोगों का हवाला, वो झमझम झमझम लाइट जोना वाला, हर कुल सामान, मोमबत्तियों आई तो चाइना से आई, हर कुल सामान, मटकी आई तो ये आई, दही हंडी बा तो हंडियों चाइना से आवता, ये कौन बात भाई लो।
हमारे यहाँ एक से एक लोग, हमारे यहाँ आई टी एन जाके अमेरिका में दे आर, वे आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी दे आर वर्किंग इन एवरी वेयर, आर बॉयज आर डूइंग वेरी गुड, 65% यूथ है, वी हैव ब्रेन। बट हम लोग खरीदते थे चाइना बिकॉज उसका माल आ जाता था तुरंत खरीद लेते थे, 6 महीना के ऊपर चलता नहीं था, सड़ा हुआ माल भेजते थे, उन लोग सारे डुप्लीकेट चुट्टा टाइप के लोग हैं, जैसे गद्दारी धोखे से मारे हमारे 20 जवान को, लेकिन हम लोग भी मार के 45-55 को उनको भी गिरा दिए, और निहत्थे थे हमारे जवान, क्योंकि एक वहाँ पे एक बॉर्डर का एक रूल था कि एक संधि हुई थी कि नो आर्म्स, तो लोग सब तार बांध के बांस में अटैक किए थे। वेल बट हमारे जवान भी अभी हम लोग को भी मिले तो हम लोग भी मरोड़ दें, ऐसा ना बा कि अब वो 1962 और 65 का चाइना नहीं है, ये मोदी जी का हिंदुस्तान है, ये योगी जी का हिंदुस्तान है। हर हर महादेव। तब का हाल बा आप लोगों के, दाढ़ी मुझ शानदार लग रहा है, अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। देखा नेपोटिज्म के बारे में हम का कहें, नेपोटिज्म गैंग लीडर्स हैं, नेपोटिज्म नहीं है, यहाँ पर अपनी अपनी गैंग्स हैं, अपना अपना जैसे टोला होता है, ग्रुप होता है, उसमें बढ़ाना नहीं है, हिंदी भाषी के लिए अलग सोच है। हमारी भी बहुत लंबी कहानी है, हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम कभी बोले नहीं, हम लड़ते रहे, फिर भोजपुरी बंद हुई, इंडस्ट्री को ही रगड़ के मेहनत किए, सैया हमार से लाए, पंडित जी बताए न बिया को वही तो ई तब विदाई तो कन्यादान तो देवरा बड़ा सा, तब लगातार फिर आप लोग भी हमको मार के चाँप के बना दिए सुपरस्टार, और उसके बाद मनोज तिवारी बाबू, तब दिनेश लाल यादव जी, और तभी अनगिनत लोगों को आप लोग बम बम कर दिए, लाखों लोगों का चूल्हा जल रहा था, हमको वहाँ पर लोग नहीं लड़ने दिए, तो हम अपने इंडस्ट्री पे मेहनत की, अपने माई के बोली के हम जीवित कह दिए, कि हमारे माई के बोली का सम्मान हुई, भैया बोलते थे, अब यह भैया देखा, ये भाषा के पूरा दुनिया जाने। तो लड़े के पड़ी, देखा रगड़िया सब, आपको सब जगह दबाया जाएगा, हर जगह आपको नहीं, आपके अंदर जरा टैलेंट दिखेगा, अरे बढ़िया बॉडी है, अच्छी आवाज है, अरे डांसर अच्छा अच्छा गुड लुकर है, अरे इज अ टॉल गाय, अरे इज फैंटास्टिक, तो पीपल विल ट्राई एंड ट्रबल यू, आपको उसमें वे आउट ढूंढना है। भीड़ का भीड़ कमे नहीं खोना, हमको पता था अगर हम बॉलीवुड में भीड़ में रहते तो हम गायब हो गए होते, कहीं सपोर्टिंग एक्टर ही बना के हमको पीछे ढकेल दिया होता, तब वहाँ से हम साउथ भी गए, तेलुगु भी गए, तमिल भी गए, कन्नड़ा भी गए, मराठी किए, गुजराती पिक्चर किए, ये कि ये यही भैया, यही जौनपुर का, यह मिट्टी के घर से निकल के एक लड़का, यही एक ब्राह्मण का लड़का, एक पुजारी का बेटा, और आज आप लोगों की कृपा से महाराज जी, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के अमित शाह जी की कृपा से, आज हम गोरखपुर की कृपा से, गोरक्षनाथ बाबा की, आज हम दुनिया के सबसे बड़े हिंदुस्तान के मंदिर पार्लियामेंट में बैठे, आप लोगों की आवाज, बाकी तो महादेव आप लोगों के द्वारा सब कुछ हम प्राप्त ही कर लिए। लेकिन एक कहावत है कि प्रकृति को लौटाना है बाबू, मरने के पहले ये तय करना है कि हम पैदा काहे हुए हो, शादी ब्याह करने, बाल बच्चा पैदा करने, एक आध दो खेत खरीदने, फार्म हाउस खरीदने, बंगला खरीदने, मोटरसाइकिल खरीदने, गाड़ी खरीदने, हम पैदा क्यों हुए धरती पर, खाने और बच्चा पैदा करने नहीं। का हो तुम लोग, खाना और बच्चा पैदा करने के लिए पैदा हुआ है, ये सवाल बहुत जरूरी है। रूम के रेंट का भी हम बात कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों का भी, आपने आज अखबार देखा, हम उसकी भी बात कर रहे हैं, हम सारे गरीबी मुद्दे, लोकल मुद्दे, चूंकि हम खुद एक तकलीफ और गरीबी गुर्बत से आए हैं, तो हमको सबकी चिंता व्यथा पता है अच्छी तरह से। कलाकार होने से आज सुशांत सिंह के लिए आप लोगों का जो भाव जागा है, मैं आपको नमन करता हूँ, इससे पता चला कि कलाकार के लिए इस देश में कितना प्रेम है, क्योंकि कलाकार तो निस्वार्थ अपने, वो तो दिन भर शूटिंग करते करते देश को आनंद देते देते, देश सुखी दुखी बेचारा आता है टीवी पे पर्दे पे आनंद देता है, और एक दिन मर जाता है,
जोन पैसा कमाता है परिवार उसका आनंद लेता है, गांव देहात में सब लोग उसका माँ बाप आनंद लेता है, कलाकार तो भटकते रहता है। कितने कलाकार को हम जानते हैं कितने बार उसकी जेब में पैसा ही नहीं रहता, लेकिन वो एकदम चूंकि माँ सरस्वती चढ़ी रहती है, उसको बस अपना रूप दिखाना है देश को, उसको आनंद देना है। आई गोरखपुर, फिर आई, अभी हम 15-20 दिन थे गोरखपुर, अभी वहाँ की समस्याओं को रोज जूम मीटिंग, जो वेबिनार मीटिंग होती है, हर मीटिंग से बात करते रहते हैं, आएंगे कोरोना से, सीएमओ से, सब कुछ 24 घंटा, चूँकि पूज्य महाराज जी का स्थान है, वो महाराज जी हमको लाए हैं, तो 24 घंटा निरंतर हमारा काम है कि आप लोगों का सम्मान ही ना लगे कि चाहे कि कौन सांसद को हम लोग जिता दिए, ऐसा लगना चाहिए कि वाह हमारा सांसद हम लोगों के लिए लड़ रहा है, हमारा सांसद पार्लियामेंट में भी आवाज करता, हमारा सांसद ईमानदार है, नोचा नोची ना करेगा। चला, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब हम और कौनो बात करेंगे, प्लीज़ आप एक बार ध्यान दें, बहुत शानदार, बहुत प्रणाम निरंतर। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोली हम, सुशांत सिंह जी के लिए भी बोले, लेट अब ही ज्वाइन किया का बाद में देख लिया। हर हर महादेव। शुभम जी, विशाल मिश्रा जी, सब चलो आप सब लोगों का लाइन से नाम बोलते हैं, आओ आओ आप लोग। माँ बोली भोजपुरी जय हो। रवि जी, सबसे पहले भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में जाई भोजपुरी भाषा, आप लोग पार्लियामेंट में देखला, हम लिखित भी देले है ही, हम बिल भी पेश के देले है ही, भोजपुरी आई और भोजपुरी की अश्लीलता खत्म होगी। और जितने मुझे भी सुन रहे हैं, मेरे जितने भी जूनियर भाई कलाकार हैं, कि आप लोग अश्लील जो भी गा रहा है उसको बैन करिए। हम लोग एक सेंसर बोर्ड भी यूपी में लाएंगे, महाराज जी को हम बोल दिए, ताकि भोजपुरी की अश्लीलता, ये जो एल्बम निकालते हैं 2-2 रुपए का, 200 रुपए, 500 रुपए का, 1,00,000 रुपए का, और वो हमारे भोजपुरी का, अरे पगला लोग, पहले भोजपुरी का इतिहास तो जानो, ये लिटरेचर है बहुत बड़ा, भिखारी ठाकुर से लेके महेंद्र मिसिर का, और 1,000 साल पुराना एक इतिहास है। इसको आप लोग टुच्चा टाइप का 2-5 रुपया कमाने के लिए एक अश्लीलता, तो भोजपुरी का जो कोई एल्बम आता है वो भोजपुरी सिनेमा नहीं है, भोजपुरी संस्कृति नहीं है, भोजपुरी माई बोली नहीं है, एगो एक इतिहास बा, बहुत बड़ा इतिहास है। 25 करोड़ लोग ये भाषा बोलते और समझते हैं पूरे विश्व में। मानव सेवा ही तो बा ना, तो शूटिंग, हम हमेशा शूटिंग में मस्त रहे, पैसा कमात रहे, घूमत रहे पूरे दुनिया, हर भाषा में जैसा आप लोग चाह रहे हैं हम काम करते थे, और 365 दिन शूटिंग करते थे। सोचो सब कुछ छोड़ कर आप लोगों की सेवा में हम आ गए। जय हो आप लोगों के, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा, गुरु गोरक्षनाथ की जय। बस इतना कहा कि हे भैया हो, लिट्टी चोखा बनल बाहा बड़ा मजेदार, लिट्टी चोखा बनल बाहा बड़ा मजेदार, देसी चीज हो, चाइना के एकदम ऐसन लतियाए के बा, ऐसन लतियाए के बा, ओकर कमर के तोड़ के ओकर ओकर जन हड्डी बा के बुकनी बुकनी ओकर बुक्का करके बा, खत्म कर दे के बाटे ओके। लिट्टी चोखा बनल बाहा बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं वो पछताई मोरे यार, पिज्जा बर्गर चाइना का जोन सामान बा, पिज्जा बर्गर कटेल से फेंकी बेकार, तनी खा के देखा यार लिट्टी चोखा, देसी आत्मनिर्भर, जैसे हमारे श्रद्धे प्रधानमंत्री कहलन, आत्मनिर्भर देश, स्वदेशी, लिट्टी चोखा खाई बता, जे खाई मोरे यार, लिट्टी चोखा बनल बाहा बड़ा मजेदार,
जे खाई ना ही वो पछताई मोरे यार। पिज्जा बर्गर चाइना ऐप 59 ऐप प्रधानमंत्री डिलीट किए हैं, सब कुछ उनका खत्म कर दो, बर्बाद कर देना उनको, अनगिनत चीजें हमारे लड़का बच्चा माँ।